दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सभी फ्यूचर के डॉक्टर्स का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट 2019 में काउंसलिंग को लेकर। जिन दोस्तों ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो वो काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया या काउंसलिंग में कोई मिस्टेक कर दी तब इस केस में आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपका गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना भी टूट सकता है। तो प्लीज़ आज का वीडियो सभी स्टूडेंट और पेरेंट दोनों लोग देखें और जो डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उनको आप रेडी कर लें ताकि आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि नीट का रिजल्ट आया है, लगभग एक हफ्ता होने वाला है और एक हफ्ते के बाद इन सेकेंड वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ऑल इंडिया कोटा के तहत, जिसमें होता है 15% सीटों का जो है रिजर्वेशन। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं टॉप इंडियन कॉलेजेस जो कि रैंकिंग बहुत अच्छे होते हैं। तो इन कॉलेज में एडमिशन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग जो बहुत ज़रूरी होता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ में समय भी लगता है बनवाने में, तो उनको बनवा लीजिए। अब बात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड यानी 2019 का एडमिट कार्ड, रिजल्ट रैंक लेटर, और इन सभी के अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट, फर्स्ट इंटर की मार्कशीट और इंटर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स, आपके 8 फोटोग्राफ्स होंगे जो कि पासपोर्ट साइज होंगे, ठीक है, आपको लेके जाना है। और कोशिश करिए कि वो फोटोग्राफ्स हों जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था, ठीक है ना। तो आपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, इसके अलावा 8 फोटोग्राफ्स, आपके एडमिट कार्ड, और इन सभी के अलावा आपके नीट 2019 की रैंक लेटर जो का आपको NTA देगा, इन सभी के अलावा आप सभी का प्रमुख है वो है नीट का रिजल्ट यानी कि आपको कितने नंबर मिले हैं नीट के एग्ज़ाम में, इन डॉक्यूमेंट्स का तो होना कंपलसरी है। अब कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यानी 8 से 10 दिनों का, तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आइए हमारा उनको जान लेते हैं। प्रूफ आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट आपके पास होता ही है नॉर्मली, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो आईडी इसको बोलते हैं, और इन सभी के अलावा आपके पास आपकी होनी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी अगर आप SC ST हैं या OBC हैं और आपको चाहिए वहाँ पर रिजर्वेशन, तो इस केस में आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको बनने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है नॉर्मली। इन सभी के अलावा सबसे मस्ट जो लास्ट हमारा डॉक्यूमेंट है वो है EWS सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट द्वारा आपको मिलता है ऑल इंडिया कोटा तथा स्टेट कोटा में 10% रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार ने जो कि आपको दिया था रिजर्वेशन अप्रैल में, उस नियम के तहत आपको मिलता है 10% आरक्षण। तो EWS सर्टिफिकेट बनाने में लगभग आपको मिलता है 10 दिन का समय लगता है, तो जिन दोस्तों ने बनवा लिया उनके लिए वेरी गुड, जिनने अभी तक तो उन दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ जल्दी बनवा लें, इससे आपका फ़ायदा होने वाला है, आपको 10% एक्स्ट्रा सीटें मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होंगे। अगर कोई आपको चाहिए और सजेशन, कुछ और नीड्स फॉर इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन सभी के अलावा मेरी अगली वीडियो का वेट करिए जहां मैं आपको काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट, कैसे सेंटर लॉक करना है, कितने सिलेक्शन करने हैं, कितने नंबर पे कौन से कॉलेज चाहिए, हम इस पूरे विषय को विस्तृत वर्णन करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, अगर अच्छी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें।